अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा, इसके लिए आज मैच हुआ श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान। इंग्लैंड ये मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंच गया है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 141 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर, फिर इंग्लैंड ने इसका ताकुब किया, लेकिन कुछ मुश्किलात भी टीम इंग्लैंड को इस दौरान पेश आई। मैच का ब्रेकडाउन क्या है तो विकी भाई बताएंगे। पैनल पर मेरे साथ एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर। विकी भाई अस्सलाम वालेकुम, शुरू कीजिए। यार आई थिंक जिस तरह का स्टार्ट श्रीलंका ने लिया था दैट वाज वेरी अमेजिंग। आई थिंक कि निशंका जो है वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेला है, ये प्रॉबेबली जाके 16वें 17वें ओवर में जाके आउट हुए 67 ऑफ 45 बॉल्स। और उसके बाद फिर से देखें, अगर हम इनकी बैटिंग लाइन आप देखें तो ऑल जितने भी इनके प्लेयर्स हैं वो इतना फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन आज राजापक्षा ने एक छोटा सा साथ पार्टनरशिप किया 140 कभी भी। आई थिंक ये सिडनी की विकेट पे आई थिंक इट वॉज अ गुड टोटल जिसपे रिस्ट्रिक्ट किया इंग्लैंड ने, क्योंकि हमने डिफरेंस देखा कि स्पिनर्स जो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। उसकी मिसाल हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में लेते हैं कि जिस तरीके से शादाब ने सेकेंड इनिंग में आके बॉलिंग की और पाकिस्तान को अहम 2 विकेट दिलवाई उस मैच में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपके स्पिनर सिडनी की विकेट पर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स जिनकी हम बात करते हैं हसरंगा दसवा, और उसके साथ जो टिशकना जो नया बॉल करते हैं। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड टोटल जिसके ऊपर इन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया और मैच को अपने कंट्रोल में रखा। उसके बाद नया बॉल ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस विकेट, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, और उसका पूरा एडवांटेज लिया एलेक्स हेल्स ने आज जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली और जॉश बटलर ने इनिंग्स खेली, जो स्टार्ट दिया दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। उन्होंने पहले 6 ओवरों में ही 70 रन करके जो प्रेशर था वो श्रीलंका की टीम पर डाल दिया, लेकिन फिर एज यूजुअल इंग्लैंड का जो एक अपना एक तरीका खेलने का उसमें अगर हम देखें कि अगले 8 ओवरों में 9 ओवर नंबर 7 से लेके ओवर नंबर 15 तक अगर हम देखें तो सिर्फ 43 रन्स ऐड हुए थे उनके टोटल में और 5 विकेटें गिर जाना, दैट मींस कि कितना अच्छा कमबैक किया है हसरंगा ने, धनंजय डिसिल्वा ने और टिशकना ने। अगर आप फिगर्स देखें तो 4 ओवर में एक ने 23 दिया, 4 ओवर में एक ने 24 दिया, एक ने 22 दिया, तो दैट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। और इंग्लैंड फंस गया था। जो सबसे खूबसूरत चीज़ आज के मैच की मुझे नज़र आई कि आज से पहले हमने बेन स्टोक्स को देखा कि वो जब भी खेलने आया ही जस्ट प्लेड लाइक कि मैं हर बॉल पर छक्का मारूँ आउट हो जाऊँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इनिंग्स उन्होंने खेली है, हालांकि इट डजंट लुक वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ इनिंग्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बेन स्टोक्स से 42 ऑन 36, लेकिन जिस तरीके से वो खेला अगेंस्ट हिज नेचर 42 ऑफ 36 बॉल्स, दिस इज के बड़े प्लेयर्स जो है वो बड़े मैच के प्लेयर्स होते हैं। और उसने आज शो किया कि टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आया तीसरे नंबर पर जब बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी उसके सामने, 5 विकेटें गिरी, ही डिडंट बैक अवे हसरंगा को, टिशकना भी ऑफ स्पिनर, डिसिल्वा भी ऑफ स्पिनर, उनको खेलना उनके ओवर्स में आराम से, और फिर इवन के जब 2 ओवरों में 12 चाहिए था तो उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने बड़ी हिट मारने नहीं गए। सी उन्हें पता था कॉर्नर्स बड़े हैं SCG के, उन्होंने आराम से नीचे नीचे रख के 2-3 जो है वो डबल्स लिए उस ओवर में, 2 सेकेंड लास्ट में और फिर लास्ट में, और फिर उसको फिनिशिंग शॉट जो था क्रिस वॉक्स का। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड गेम टू सी। ऑस्ट्रेलिया जो थे वो भी प्रॉबेबली TV के आगे बैठे हुए देख रहे होंगे कि यार अभी शायद कुछ हो जाए, हार जाए तो हम वो भी दुआएं कर रहे कर जाए फाइनल्स, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो टीमें कुछ नहीं कर सकी वो दुआएं कर रही हैं। एग्जैक्टली तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट, वेरी वेल प्लेड इंग्लैंड, दे थॉरली डिजर्व्ड इट। और क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका को भी, क्योंकि जब 6 ओवरों में 70 लगे तो मैच ऑलमोस्ट खत्म हो जाता था, लेकिन जिस तरह का उनका कम बैक था और लास्ट ओवर की लास्ट सेकेंड लास्ट बॉल तक मैच गया, तो इट वॉज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। शो भी खत्म करें, खत्म हो गया, मैं ग्रीन टी पी लूं अब। हाँ, आप कुछ खाएंगे, आप कुछ पियेंगे, सब कुछ तो हो गया, सब निमट गया, हो गया, आपकी आपकी टेबल पे रख दिया गया। अच्छा नहीं, श्रीलंका के पास तो एक अच्छी पार्टनरशिप मिसिंग थी, अगर वो हो जाती कोई 10-20 रन का और इजाफा हो जाता तो इंग्लैंड को टफ टाइम तो दिया बॉलर्स ने स्पिनर्स ने। यार आज का मैच जो है ना, अगर आप एक चीज़ देखें, मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि इसमें स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है जो टीमें उनको यूज़ नहीं कर रही। आज का मैच अगर आप देखो कि जिसने जितनी पेस से बॉल किया, आप आज देखो कि वुड को उन्होंने सिर्फ 3 ओवर करवाए हैं,
पिछले मैच में भी थी। उनका मेन बॉलर था जिसको जिसपे जो 150 प्लस ओवर बॉल करता है, मगर आप पाँचवें ओवर तक आप देखो कि श्रीलंका ने इंग्लैंड की बिल्कुल जिसे कहते हैं पैंटी लगाई हुई थी। छठा ओवर किसने किया पावर प्ले में? राशिद ने। लेग स्पिन बॉल की, दो स्कोर उसने दिया उस ओवर में, पावर प्ले में दो रन्स दिए। इट्स मीन के इंग्लैंड की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये थी कि इंग्लैंड ने जो कहते हैं ना मैच अवेयरनेस, उन्होंने अपना गेयर चेंज किया। सही है। उन्होंने वो एकदम स्पिनर्स पे आ गए, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई इस मैच में। मतलब बिल्कुल करवाने से मतलब ये था कि उन्होंने इनको जैसे कर्म से करवा दिया, जो मीडियम पेसर बॉलर थे वो उन पे आ गए, उन पे आके आप देखो कि उनका स्कोर रुक गया, उस तरह की पेस नहीं रही, क्योंकि वो पेस को यूज़ कर रहे थे। वुड को भी अगर उन्होंने छक्के जो मारे वो पेस यूज़ कर रहे थे, सिडनी की विकेट पे उनको सूट कर रही थी, पेस यूज़ की उन्होंने। सबसे अच्छी चीज़ जो इंग्लैंड ने की वो उन्होंने स्पिनर्स को बॉलर्स को आए, आप उनके स्पिनर्स के ओवर्स चेक करें, 7 ओवर्स में मेरे ख्याल 40 भी नहीं हुआ। तो ये थी कि मैच अवेयरनेस कि आपने एकदम आपको समझ आ गई करना कि आपने करना क्या है। अब आप देखें कि उन्होंने वुड को किस वक्त ओवर करवाया, उन्होंने वुड को पहले ओवर में 15 या 17 रन हुए थे, उन्होंने वुड को ओवर उस वक्त करवाए जब उनकी टेल शुरू हुई। अब मेन प्लेयरों ने उसको छक्के मारे थे क्योंकि वो पेस यूज़ कर रहे थे, जैसे ही टेल आई उनसे 50 प्लस वाली पेस खेली नहीं गई, उसने एक ओवर में 3 आउट कर दिए और स्कोर आप देखो 127 था उनका और 3 या 4 ओवर पड़े हुए थे और 141 में आउट हो गए। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था जब मैच मैं देख रहा था तो 110 ओवरों में उन्होंने 117 कर दिया हुआ था श्रीलंका ने, 100 के ऊपर था, तो लग रहा था कि आज श्रीलंका 180 करेगा, अंदाजा ये था। मगर इंग्लैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने मैच अवेयरनेस गेम अवेयरनेस उन्होंने उसी वक्त रियलाइज किया कि नहीं यार ये तो अच्छा, जब ये वाले लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ ना तो ये फौरन बोलते हैं ये वहीं जा रहे हैं, आपकी बारी में नहीं बोलते ये। अच्छा अब जब उनकी बारी आती है ना इंग्लैंड वो भी नहीं उधर जाएंगे नहीं वो चले जाएंगे इग्नोर कर दिया उन्होंने, मैंने सुना नहीं क्या उनका मेरा ये तय है कि पहले हाफ में हमने नहीं अपने बॉयज को कुछ कहना। अच्छा बॉयज, अच्छा आप देखो इंग्लैंड की बारी जब आती है तो इंग्लैंड को पता था कि स्पिनर्स इनके हमसे स्कोर नहीं कर पाए हम उनके खिलाफ, तो उन्होंने स्पिनर पे अटैक किया। स्कोर क्यों हुआ क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, फिर स्कोर इतना 70 कैसे हो गया आप खुद ही बता सारे ऑटो में लगे हुए ना इधर स्कोर इसलिए हुआ कि देखो जब नया बॉल होता है ना तो वो उस तरह ग्रिप नहीं होता, वो ना टर्न होता है उस तरह, उनको पता था कि अगर हमने इनको अटैक ना किया और स्कोर 6 ओवरों में हम ना किया तो हम फंस जाएंगे, और उन्होंने अपने प्लानिंग के मुताबिक चले, उन्होंने 6 ओवरों में 70 कर दिया, उनको मार मार के जल्दी जल्दी स्कोर किया, उसमें विकटें भी बचे, वो बटलर बोल्ड होते हुए बचा, कैच इधर उधर गिरे, मगर उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि आज अगर श्रीलंका थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा कर जाता, अगर पैनिक ना करता, तो इंग्लैंड को मैच जीतना बड़ा मुश्किल था क्योंकि 141 उनसे चेज नहीं हो रहा था। आखिरी ओवर में देखें जैसे ही बॉल पुराना हुआ बॉलर की ग्रिप शुरू हुई, बॉल उनको समझ नहीं आ रही थी कि स्कोर कैसे करें, इवन 31 रन चाहिए थे और 30 स्कोर था और उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा था। तो मेरा ख्याल है कि मैं बार बार कहता हूं कि अपने स्पिनर्स पे को इस जैसे ही मौसम चेंज हो गया स्पिनर्स पे रिलाय करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया क्योंकि हमेशा से वो फास्ट बॉलर पे करती है, तो इसीलिए शायद वो पीछे रह गए। आपकी बातों से एक सवाल है जो मैं बाद में आपके पास लेके आता हूं, पहले आमिर के पास चलते हैं। जिस तरह से ओवरऑल अंदाजा लगा, आप बार बार ये बात करते हैं कि T20 क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है और श्रीलंका की तरफ से ये एक्सपेक्टेशंस भी थी कि वो यार वो क्लास मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं ये शो करेंगे। मेरे सवाल के बीच में जो ये जिस तरह से मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ये नोट किया जाए चेयरमैन साहब, ये नोट किया जाए कि ये किसी तरह चाह रहे हैं कि मैं गलत काम करूं और ये यहाँ के बैठ जाए। जैसे जैसे वक्त अब जो है ना कम रह गया ना ट्रांसमिशन का, तो ये चाह रहे हैं कि अगली ट्रांसमिशन के लिए इनसे कुछ चीजें कागजात फाइनल हो जाए। होने नहीं दूंगा मैं। आज श्रीलंका ने अच्छा वक्ता डाला है इंग्लैंड को, देखिए वक्ता तो डाला है, देखिए श्रीलंका के लिए तो नथिंग टू लूज था, ठीक है, असल सारा जो प्रेशर था
वो था इंग्लैंड पे। लेकिन वो जब सलीम भाई बात करते हैं कि जो टीम नथिंग टू लूज के माइंडसेट के साथ आती है वो फेलियर क्रिकेट खेलती है, स्टार्टिंग में वो खेले लगना है। स्टार्टिंग में वो खेले जैसे पावर प्ले में देखा आपने उनका जो इंटेंट था, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ ना, T20 में आप अच्छी टीम को विंडो नहीं देते। जहां पे श्रीलंका ने उनको दी ना विंडो, तो वो देख ले वो पूरा मैच अपने हैंड पे, कहां पे 170 हो रहा था, कहां पे उन्होंने 140 पे उनको रोका। लेकिन अब क्योंकि इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया, जो मुझे चीज नजर आ रही है, जो वरिंग साइन जो इंग्लैंड के लिए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वैसे हम सारे ये देखते हैं कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है, कि बैटिंग बहुत डीप है। लेकिन इस टूर्नामेंट में आप देखें उनकी स्ट्रेंथ इस टाइम बॉलिंग है, उनके बॉलर्स आउट कर रहे हैं, बैट्समैन अगर सही जो फ्लो में खेल रहा है, वो पिछले मैच से लेके जो आज खेला वो सिर्फ एलेक्स हेल्स है, बटलर अपने फ्लो में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं, बेन स्टोक्स आप देख लें उस फ्लो में नहीं खेल रहे, लिविंगस्टोन काफ़ी अरसे से वो फॉर्म में नहीं है, हैरी ब्रूक जब से वर्ल्ड कप में आए उनके बल्ले से उस तरह बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा, मोइन अली उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये एक बैटिंग में उनके लिए वरिंग साइन है। अगर सेमीफाइनल में कोई टीम 170-175 करती है तो इंग्लैंड के लिए वरिंग साइन हो सकता है, क्योंकि उनका लोअर ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और जब लोअर ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता ना, तो टीमों के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब प्रेशर सिचुएशन आती है, 40 बॉलों पे 60 चाहिए होता है, 65, और वहाँ पे सेट बैट्समैन ना हो और वो बैट्समैन बारी करने आ जाए जो ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इंग्लैंड को लेकिन जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये ऑन द डे कोई भी बटलर जैसा है, उस दिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो 70 रन की इनिंग्स खेल गए, तो लेकिन स्टिल बड़े मैचेस में नाम तो ऑन पेपर आप कह सकते हो ये बड़ी टीम है ये छोटी टीम है, लेकिन ऑन द डे प्रेशर गेम में वही बड़ा होता है जो प्रेशर को अच्छा हैंडल करता है। लेकिन मगर मेरा ख्याल है विकी बोला जी, इनका मैच अगला सेमीफाइनल इधर नहीं है, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा, दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। इसी तरह बोलकर देखें आप। क्या यही जो मैंने बोला है इसी तरह बोल रहा हूं। बोले क्या वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा, दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। क्या हो गया, आप जो चाह रहे हो मैं आप ले दी क्यू 3-2-1 क्यू। आप रियाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग पवेलियन एंड एक्चुअली आपने पूरा एक वीक इसका रट्टा लगाया है। अब विकी को आप एकदम कह रहे बोलने के लिए बड़ा मुश्किल है। विकी भाई भी तो पिछले और फिर विकी भाई भी तो पिछले 15 दिन से सुन रहे हैं यही वर्ड, उनको भी याद हुआ है। बारह अच्छा आप जो एक बात करते हैं सलीम भाई, कि वो अभी आमिर से मैं सवाल कर रहा था कि फेयरलेस क्रिकेट खेलती है वो टीम जो नथिंग टू लूज पे, तो फिर इंग्लैंड ने तो आज फिर किस माइंडसेट से उतरे मैदान में और फिर कम बैक करने के लिए क्या उन्होंने? नहीं यार प्रेशर तो था ना, देखे इंग्लैंड के लिए वह उसको था कि अगर हम मैच हारे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उनके प्रेशर ज़्यादा इंग्लैंड पे था। मगर आप उनको मैं बार बार कहता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बड़ी जल्दी अपना गेयर चेंज किया। तो ये एक बड़ी टीम की क्वालिटी होती है कि वो ग्राउंड में डिसीजन लेती है कि यार हमें क्या करना है इस वक्त, अगर हमारे फास्ट बॉलर को मार पड़ रही है तो हमने अब अगली प्लानिंग क्या है। अब ये नहीं है कि आपने बाहर जाके कप्तान ने बाहर से इशारे करने अब मैं क्या करूं, या टीम मीटिंग में आपने जो डिसाइड किया हुआ वो नहीं हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा जो कप्तान अंदर खड़ा होता है ना, या जो सीनियर प्लेयर अंदर खड़े होते हैं, उन्होंने उसी जगह डिसीजन लेना होता है। ये वो बात होगी ना कंडीशंस को असेस करना, उनको जैसे पता लगा कि यहाँ पे पेस ऑन जो है वो रन्स के लिए जा रही है, जैसे सलीम भाई बोले उन्होंने एकदम से प्लान बी पे आगे कि नहीं यहाँ पे स्पिनर्स लगा दें, तो ये बड़ी टीमों की मेरा ख्याल है आमिर बी प्लान होएगा ही नहीं, मगर उन्होंने रियलाइज किया कि कंडीशन को असेस किया ना, असेस किया कि यार इधर तो फास्ट बॉलर को बहुत मार पा रही है। आप देखो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई भी, पाकिस्तान क्या एशिया का कोई भी बॉल कैप्टन ले लें, जो उसका मेन प्लेयर बॉलर जो 150 की पेस से बॉल कर रहा होता, वो मैं मान ही नहीं सकता कि वो आखिरी ओवर उसके चार ना करवाता, चार ओवर पूरे ना वो करवाता ही करवाता। इंग्लैंड वहां देखें कप्तान है जिसने अपने मेन बॉलर्स के ओवर ही नहीं करवाए, टॉप थ्री के तीन तीन उसने रियलाइज किया ना कि यार यहाँ तो मार पड़ जाएगी, और अगर आज वो ये वाला डिसीजन लेता तो मेरे ख्याल श्रीलंका मैच जीत गई होती। तो ये होता है एक अच्छे कप्तान का ऑन द स्पॉट। अच्छा कप्तान कहाँ से मिल रहा है आजकल? अच्छा कप्तान
देखें अच्छा कप्तान आप लैपटॉप नहीं वरना ऑर्डर कर देता लैपटॉप अच्छा कैप्टन बनाया नहीं जाता उसमें क्वालिटी होती है और आप कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी पिक करते हैं अपनी गलतियों को और सीखते हैं उससे कुछ होते हैं डीट उनको होता है कि मैंने वही करना है जो मेरे दिल में आ रहा है वो टीम का नहीं सोचते तो ये चीज़ें जो है ना ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो और फिर आप क्या होता है कि यार मैंने ये सीखना है आप लोगों से अपने सीनियर से बाकी लोगों से जाके पूछते हो जब आप पूछेंगे नहीं सिर्फ आप मैं मुख ये नहीं कह रहा अपनी टीम की बात नहीं कर रहा जनरली बात कर रहा हूँ कि आप देखो कि आप दुनिया के जितने भी कैप्टन देख लो कभी ऐसा नहीं हुआ कि साल के बाद चेंज हुआ हो आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो फिंच पिछले कई सालों से कप्तानी का स्पेशली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को देखो वो एक कैप्टन को बनाते हैं ना तो फिर इसको लंबा लेके चलते हैं उनका सोच होती है कि यार इसमें एबिलिटी है अगर ये गलतियाँ भी कभी करेगा मगर ये हमारा कैप्टन यही है और वो निचले लेवल से शुरू होते हैं वो स्कूल लेवल से उनका विजन होता है वो प्लेयर्स जब तैयार करते हैं ना आप तो आप छोटे नीचे लेवल से अपने प्लेयर्स के कप्तानों को भी आपका पता होता है कि यार इसमें एबिलिटी है वो तैयारी वहाँ से शुरू करते हैं हम तैयारी कहाँ से शुरू करते हैं हम जब पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर आता है ना उसको फील्डिंग करनी नहीं आती उसको ये नहीं पता होता कि मैंने बॉल पकड़ के किधर से रिलीज करना है वो उल्टा बॉल पकड़ रहा होता है और फिर यूं करके थ्रो कर रहा होता है और कोच उसको बता रहा होता है कि यार ये फील्डिंग इस तरह करनी है मतलब हम बचपन से ही अपने प्लेयर्स को सिखाते ही नहीं कि भाई क्या आप जब पाकिस्तान टीम में जाए तो आपको बताना ना पड़े कि ये करना है ये नहीं करना पीएसएल के मैचेस के दौरान वो देखते हैं कि अच्छा किसका नाम जो है कितनी देर में ट्रेंडिंग पे आया फिर कितने ट्वीट से ले लो टीम में ये चलेगा ये यार नहीं बहरहाल असल ये चले इस तरह भी पिक हो रहा है ना आप कमर्शियल नहीं हुआ है ये दो प्लेयर गए नहीं मैं तो बार बार कहता हूँ कि यार आप किस तरह किसी को एक सीरीज के बाद लेके जा सकते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट कमिंग बैक टू द पॉइंट अच्छा ये जो ग्रुप वन है न्यूजीलैंड इंग्लैंड ये बड़ा क्लियर था डे वन से जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया मतलब देखिए आई थिंक सरप्राइजिंग जो था वो न्यूजीलैंड का था न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से स्टार्ट किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हरा के और इतना अंडर प्रेशर कर दिया कि वो रन रेट पर भी कम बैक नहीं कर सके देखिए अच्छी टीमों के साथ जब आप मैचेस खेलेंगे तो एक आधा मैच तो आप समझे कि आप हारेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कंसिस्टेंटली सारे मैचेस जीत जाएंगे हमने देखा इंग्लैंड आयरलैंड से हार गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार गया और उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड ने उनको हरा दिया सो यू नो जब इतनी कम्पेटिटिव टीम्स फिर मैं कहता हूँ कि ये ग्रुप जो था दैट वाज अ वेरी मच कम्पेटिटिव ग्रुप क्योंकि देखें इवन कि इस टीम में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया और अफगानिस्तान ऑलमोस्ट कल ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा था बड़ा टफ ग्रुप सो दिस ग्रुप वाज द मोस्ट टफेस्ट ग्रुप और इसमें से ऊपर आना मींस के दे विल बी नाउ वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ व्हाट दे विल बी फेसिंग मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और probably Pakistan or South Africa. So वो कल फैसला हो जाएगा हमारे मैच के बाद के साउथ अफ्रीका और जो भी नीदरलैंड का होगा रिजल्ट साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से और इंडिया जिम्बाब्वे पाकिस्तान बांग्लादेश तो ये देखना पड़ेगा हमें कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को करते हैं अब हमने किस मैच में कौन सी वाली दुआ कि नीदरलैंड साउथ देखिए पहली बात तो यह कि हम जिस तरह लास्ट मैच में क्रिकेट खेले हमें उस तरह क्रिकेट खेल के अपना मैच सबसे पहले जीतना चाहिए क्योंकि हम सबसे पहला मैच खेल रहे हैं अगर हम वो मैच जीत जाते हैं सेकंड मैच है हमारा पहले साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स का नहीं मेरा ख्याल है वो 1 बजे नहीं ये पहले साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स का 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नीदरलैंड साउथ अफ्रीका है फिर 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश और फिर तीसरा मैच है इंडिया तो आपको पहले मैच में पता चला मैं आपको नहीं हमारे से हमारा मैच पहले है साउथ अफ्रीका बाद साउथ अफ्रीका का पहला पक्की बात है साउथ अफ्रीका का पहला मैच एडिलेड में ही दोनों मैच साउथ अफ्रीका का पहला मैच वैसे टाइम डिफरेंस मेरा नहीं ख्याल मैं एंकर हूं यार मैं थोड़ी तो तैयारी करके नहीं पर्स में तो हो सकता है क्योंकि 5 घंटे 40th मैच है नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका कल 5 बजे हमारे टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे जी जी ये कहां पे कौन सी सिटी में एडिलेड एडिलेड में इतनी हमारा भी एडिलेड हमारा भी एडिलेड फिर हम बारिश की दुआ भी नहीं कर सकते फिर सुबह ही बारिश कराओ आपके मुताबिक अगर आप ये कह रहे हैं आपके मोबाइल ठीक आपके मोबाइल में इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा जैसे मेरी केबल ठीक नहीं आ रही इनके मोबाइल में सेमीफाइनल आ रहे अच्छा मेरी मान नहीं रहे वो चेक कर रहे उन्होंने अभी उधर से ठीक है आई थिंक देखे उसके बाद फिर यही है कि सुबह लेट्स होप के रिजल्ट जो है वो नीदरलैंड की पहले मैच का बारिश हो जाए हैं विकी भाई पहले मैच का प्रेशर भी आएगा उसके रिजल्ट के साथ हम पे देखिए ये जरूर देखिए अगर साउथ अफ्रीका
क्वालिफाई कर जाता है जीत के, विच इज ऑन द कार्ड्स की अगर बारिश नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। उसके बाद आई नो के जो एक आपका जो टीम का जो एक मोराल होगा वो थोड़ा सा गिरेगा जरूर, बिकॉज देन यू विल कम टू नो के आप लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। लेकिन अगेन पहले भी बात की थी कि प्रे फॉर दैट, प्ले फॉर दैट प्राइड, तो आपको वो मैच जीतना है। आप अगर थोड़ा सा भी बांग्लादेश को इजी ले लेंगे, वी नो के वो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले स्पेसिफिकली इस पूरे टूर्नामेंट में या इससे पहले भी जो उनकी बायलैटरल सीरीज भी हुई है, दे आर नॉट इन गुड फॉर्म, नॉट इन गुड शेप, बट यू नेवर नो। सो आई थिंक यू हैव टू, हाँ वो ही कह रहा हूँ कि यू हैव टू प्ले फॉर योर प्राइड टुमारो। अगर आपको पता चल जाता कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ आप लोगों का नहीं जितने भी लोग पाकिस्तान में उनका भी मोरल डाउन होगा, वो लोग भी अपसेट होंगे कि यार हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके इतने मेजर टूर्नामेंट में। बट ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। सो आई स्टिल बिलीव के जो आप लोगों ने अपना एटीट्यूड, जो आपने एग्रेशन अपना लास्ट मैच में दिखाया है, यू कीप कंटिन्यू प्लेइंग विद दिस गेम। आई नो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, बट यू हैव टू प्ले लाइक दैट, और आप उसको एक अच्छे नोट पर फिनिश करें, एंड देन प्रॉबली जब आप खत्म करके जीत जाते हैं, देन उसके बाद एवरीबॉडी नोस के किसने क्या गलत किया, क्या गलतियां हुई हैं, एंड देन मेक अ फ्रेश स्टार्ट पे चले जाएं। ठीक है, अच्छा कल के तीनों मैचेस को एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, पर्टिकुलरली फिर पाकिस्तान के मैच पर डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। अच्छा आमिर, आपकी तरफ आते हुए कल के जो दो मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स और इंडिया जिम्बाब्वे, ऑन पेपर टीमें तगड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन क्या आप इस पे भी कहेंगे 70-30, 60-40 तगड़ी है? बारिश भी हो सकती है, बारिश अगर पहले हो गई साउथ अफ्रीका नेदरलैंड का मैच हो जाए, देखिए आपको अपना मैच इसलिए भी जीतना है, यू नेवर नो कि इंडिया जो है वो मैच हार जाए, यू नेवर नो। अच्छा इंडिया का मैच क्योंकि मेलबर्न में, वहां बारिश की दुआ कर सकते हैं? कर सकते हैं, होती है उधर मेलबर्न में चांस है। और फिर हमें बांग्लादेश से किस डिफरेंस से जीतना है, क्या करना है कि अपने रन रेट को मैनेज करें? उनके तो 6 है ना, इंडिया का ड्रॉ भी होगा तो पहुंच जाएंगे। नो सॉरी, कोई फायदा नहीं, फायदा कोई नहीं है, हमें सिर्फ साउथ अफ्रीका वाले मैच पे दुआ करनी है। पूछना पड़ेगा ना, मतलब यार लोगों ने बैठना है मसल्ले बिछा के, क्या करना है? देखिए बारिश होगी तो बचेंगे, वरना तो बहुत खराब के चांस नहीं है, वरना 1% है, 1% नहीं। अच्छा कल के मैच में ठीक है, जो भी है डिसाइडेड होगा, पहले मैच में पता चल जाएगा हमारा। तो सलीम भाई से शुरू करते हैं कि कल हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे खेलना है। सलीम भाई, कल का फिर हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, जब लड़के वापस आ ही रहे हैं तो किस तरह से? नहीं, अगर एक ये हो सकता है कल अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो मुझे लगता है कल फिर सब लड़कों को जैसे आप कहते हैं फिर चांस मिलना चाहिए। हाँ ये भैया, आप समझते हैं कि कल हो जाना चाहिए? यार ये क्वेश्चन जो, ये तो पहले मैच के बाद पता चलेगा, मगर मेरा ख्याल है जब आप किसी को टूर पे लेके जाते हैं तो उसको ज़रूर चांस मिलना चाहिए टूर पे, टूर्नामेंट मतलब जिस बड़े टूर पे जाते हैं, तो आप जिन नए लड़कों को लेके जाते हैं उनको आपको पता चलना चाहिए ना कि उनकी एबिलिटी क्या है। आपने अगर इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए उन लोगों को सिलेक्ट किया है तो फिर आपने उनको सैर करवाने के लिए तो सिलेक्ट नहीं किया ना, आपके माइंड में होगा कि इनमें एबिलिटी है इसलिए हमने उसको सिलेक्ट किया है। तो मेरे ख्याल में उनको ज़रूर चांस देना चाहिए, इवन आई डोंट नो कि कल क्वालिफाई का क्या सिचुएशन होती है, पर इवन देन किसी एक को तो चांस देना ताकि उसका भी पता चले। जैसे आपने हारिस को चांस दिया तो आपको लगा कि यार उसमें एबिलिटी है। अच्छा, हारिस को जो चांस दिया और जिस तरह हारिस ने वो पावर प्ले को यूटिलाइज भी किया, तो कल वो ओपनिंग ऑर्डर चेंज कर दें, करना चाहिए? यार ये तो देखो, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले कई सालों से हो नहीं रहा, मगर मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर्स को ही ऊपर जाना चाहिए जो पावर प्ले में जो फ़ायदा उठा सके, क्योंकि जब भी आपको फ़ायदा है कि आप पहले 6 ओवर्स में अगर स्कोर करते हैं अच्छा, तो तभी बेस बनती है आपकी टीम की। अगर आप पहले 6 ओवर ज़ाया कर देते हैं तो फिर आप लंबा स्कोर, बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने स्कोर चेज करना है कि हमने रन रेट भी मेंटेन रखना है, तो वो फिर ऐसे प्लेयर्स ही अगर टीम में होंगे जो, ये मैं ये नहीं कहता वो आउट भी हो सकता है क्योंकि बहुत अग्रेसिव खेलता है, वो जाते ही मारता है, मगर आपका चांस है कि अगर वो 5-6 ओवर पावर प्ले के निकाल जाता है तो वो अच्छा स्कोर कर, मोमेंटम बन जाएगा ना।
कल पहले अगर हम बैट करें तो हारिस को फिर देख लेना चाहिए ऊपर की तरफ, किसी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए अपना नंबर? सर देखिए, मुझे नहीं लगता कि टीम में कुछ खास चेंज होगा, इवन दो इफ यू नो कि यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास चेंज होगा, लगीबंदी क्रिकेट होगी। नहीं, मेरा ख्याल है वही लड़के खेलेंगे, आप किसको चांस देना चाह रहे हैं अब? नहीं, हारिस का नंबर चेंज करने की बात कर रहा हूँ। सर देखिए, हारिस जिस तरह का प्लेयर है, प्रॉबली ऑब्वियसली एवरीबडी वुड फैंसी कि जी इस तरह का आपको टॉप पे चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि उसने तीसरे नंबर पर स्कोर किया और वो फ़खर की जगह आया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल उसको किसी भी ओपन भेजेंगे वो लोग, अभी भी वो तीन पे ही खेलेंगे। वंस जब फ़खर आएगा देन इट विल बी डिसाइडेड कि किस तरह से आपका फॉर्मेशन किस तरीके से बनेगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कल जब हम बेन स्टोक्स भी तो आया है, नंबर थ्री पे आया ही है ना वर्ल्ड कप में, आप करते हो डिफरेंट ट्राई करते हो, मतलब क्यों नहीं करते? नहीं, अगर, की अगर वो जीते हुए ना, देखो बात ये कि हारिस उनके लिए आज इतना इंपॉर्टेंट गोल, हारिस आया फ़खर की जगह ना, तो बेन स्टोक्स किसकी जगह आया? फ़खर की जगह क्या है वैसे? फ़खर तीन नंबर पे खेलता है ना? नहीं, वहाँ पे बेन स्टोक्स किसकी जगह आया है? रिब्रुक की जगह आया, लिविंगस्टन की जगह आया, मोइन अली की जगह आया, किसकी जगह आया? मुझे तो पता नहीं। तीसरे वैसे अगर जिस वक्त देखें टीम को जरूरत होती है तो ये जरूरी नहीं होता हाँ। कि आप एक ही नंबर पे स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि इफ यू इफ टीम रिक्वायर्स कि वो आके ओपन करे तो उसको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो है वो कहते हैं ओपनर है, नेचुरली ओपनर है, आप उसको नंबर तीन पे खिला रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आप हारिस की जो बात करें, देखें सर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका प्लेयर जो कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा हो, एक होता है जो टीम का हिस्सा ना हो, टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हो। हारिस वॉज इन द रिजर्व, हारिस वॉज नॉट इन द स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था 15, वो तो फ़खर को इंजरी दोबारा हुई है तो उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर आप उसको लेकर आए ना, तो जिसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर बाद आप लेकर आए। देखें, हमारे इधर दो चीज़ें और भी बड़ी उस तरीके से होती हैं, हमारा एक प्लेयर स्कोर कर देता ना, हम फिर उसी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, फैंसी करना शुरू कर देते हैं, जिसने उसको उस जगह पे इतना परफॉर्म किया होता ना, हम उसको कहते हैं यार अच्छा इसको फिर अब रहने दो, ये भी चीज़ गलत है। सो अब हमारे इस टूर्नामेंट में कोई आगे फर्दर हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, अगर कल साउथ अफ्रीका जीत जाता एक मैच है वो ख़त्म हो जाता, सो लेट इट गो लाइक दिस, और जब आप वापस आएंगे तो फिर जिनको ये डिसीजंस लेने थे वो ये डिसीजंस लेंगे। कल के मैच पे हमने टॉस जीत कर अगर हम पहले बैट करें तो हमें कितने टोटल को ऑन बोर्ड करना है? देखिए, अगर अच्छा विकेट और एडिलेड की बाउंड्रीज को देखें तो आपको 180 करना पड़ेगा, क्योंकि तो विकेट भी अच्छा होता है और वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया ने 170 किया, फिर न्यूजीलैंड ने 180 किया, और उसमें भी आयरलैंड देखें स्टार्टिंग में 7 में उन्होंने 70 लगा दिया, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया वाला गेम है अफगानिस्तान चेज करने लगा था, तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर अच्छा 180 200 भी तो कर सकते हैं, मतलब वो तो 180 ये होता है कि आप 180 को देखते हो तो फिर आप 200 भी चले जाते हैं। एडिलेड में आपको स्पिन नहीं मिलता, पहली बात वहां पे इतना ज्यादा टर्न नहीं है, इट्स अ वेरी साइड बाउंड्रीज, वेरी गुड बैटिंग विकेट, और साइड बाउंड्री एक साइड की आपको मैक्सिमम 55 की मिलेगी और एक मैक्सिमम 60 की मिलेगी, इससे बड़ी आपको साइड की बाउंड्रीज, इनका स्ट्रेट बहुत बड़ा है। अच्छा, सो मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस बैट शॉट्स T20 में ज्यादा लगते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर लुकिंग समवेयर लाइक 180 प्लस, लेकिन पाकिस्तान अगेन विद दिस बॉलिंग लाइनअप अगेन आल से एडिलेड में, क्योंकि वहाँ पे खेला हूँ मैं ज़्यादा, तो आई बिलीव के 175-170 प्लस पाकिस्तान की बॉलिंग उसको आराम से जो है वो ईजीली टैकल कर लेगी। आप क्या कहें सलीम भाई? मेरे ख्याल में कल आसिफ को खिलाना चाहिए इनको, क्योंकि किसकी जगह छोटी बाउंड्रीज हैं, जिसकी जगह भी खिलाएं, बहुत सारी स्पेस है उसमें टीम में, मेरा ख्याल वो किसी जगह नहीं, हम कैप्टन की जगह भी खेल सकता है, हम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं जगह है, हम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ेंगे शायद, अगर क्योंकि शायद अगर साउथ अफ्रीका जीत गया तो शायद शाहीन रेस्ट कर ले, चूंकि बाउंड्री छोटी है वो बड़ी हिट मारता है, इसलिए मेरे ख्याल में उसको खिलाना, मुझे नहीं लगता कि दूसरे को खिलाएंगे, वैसे भी सलीम भाई बॉलिंग में सलीम भाई मुझे वैसे लगता है कि शाहीन माइट बी रेड, एक वीडियो भी आसिफ की आई थी जिसमें वो बहुत ज्यादा एज अ प्लेयर हिमसेल्फ वो अपने आप से बहुत ज्यादा वो नाराज लग रहा था या फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था कि उसके बैट पे जो है वो बॉल नहीं आ रहा प्रोबेबली, तो आई डोंट थिंक आपको एक प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा है उसको आपको सडन ऑल ऑफ अ सडन लाके मैच में खिला देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खिलाएं विकी, मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है कि छोटी बाउंड्रीज हैं वो बड़ी हिट मारता है, उनके स्पिनर हैं हमारे पास, उनके स्पिनर हैं तो उससे फायदा उठाया जा सकता है, मैं वो तो होना तो नहीं पर ये मैं ये बातें मचा लें, कल भी तो करनी है इंशाल्लाह 8 बजे जाग के या पता नहीं बगैर सोए आएंगे सुबह, सारे व्हाइट शर्ट और ब्राउन पैंट्स में आएंगे, नीचे ब्लैक शूज पहन, ये पीटी मास्टर ने बता दिया, पीटी मास्टर ने बता दिया, नहीं स्कूल आ रहे हैं ना सुबह 8 बजे।
नहीं, 8 बजे हम सुबह इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मैच 9 बजे है ना। अब ये तो स्केड्यूल बनाने वालों से बात करनी थी कि हमारे आराम को भी वो जरा मलूजे खाते रखें। और इस दौरान आप देखें, कल भी हमने कैडबरी डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है ना, वो सलीम भाई को खिलाने की कोशिश की, उन्होंने बोला लेकिन ये मैं उस दिन खाऊंगा जिस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा। ले जाए आप, ये देखें उछल उछल के आ रही है आप। नहीं नहीं, आज नहीं नहीं, ये सारी चॉकलेट ये है इतनी मजे की, कोई नहीं छोड़ता ना देख के, वो कौन छोड़ेगा। नहीं, मेरे तो घर में विकी की भी 2 बेटी है, मेरी नवासी रोज मांगती है, मैं जाके ले भाई देख रहे हैं आप, दे रहे हैं यार, आप ले जाइए, आप अभी खा भी सकते हैं अभी अगर आप खाना चाहें। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, आराम से हम ना खोल के ले जाएंगे। जैसे मर्जी आप ले जाएं। बहरहाल कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 बजे, आप सभी टाइम से पहुंच जाइएगा पीटी मास्टर साहब। इंशाल्लाह सुबह 8 बजे बांग्लादेश पाकिस्तान के मैच में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।